सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हेल्थ मिशन चैनल को और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस हेल्थ मिशन चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि इस हेल्थ मिशन की शुरुआत हमने जो की है वो गरीब लोगों के लिए की है, जिसका फ़ायदा जो है गरीब लोगों को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि जितनी भी इस हेल्थ मिशन चैनल की अर्निंग्स होगी उसका 50% गरीब लोगों के इलाज में लगाया जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस हेल्थ मिशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ और ये कुछ लोगों ने मेरे को बोला था बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में बताने के लिए, रिव्यू बनाने के लिए। हालांकि बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं पहले से ही, लेकिन कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे को बोला कि बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में बताने के लिए। तो आज मैं आप सबके लिए बेटनोवेट एन क्रीम का रिव्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ये GSK ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको वो बेटनोवेट एन क्रीम को बनाती है। और दोस्तों इसमें जो सॉल्ट है वो है बेटामेथासोन वैलरेट एंड नियोमाइसिन। और ये जो बेटामेथासोन होता है दोस्तों ये कोर्टिकोसाइड स्ट्रॉइड होता है और नियोमाइसिन जो होता है वो होता है एंटीबायोटिक। लेकिन दोस्तों आजकल ये जो क्रीम यूज़ हो रही है इसका कुछ और ही पर्पज़ निकल के आ रहा है सामने। हालांकि ये बेटनोवेट एन क्रीम जो है वो सिर्फ एलर्जी, एक्जिमा या स्किन इरिटेशन, रेडनेस, मेनली जो पर्पज़ है वो एलर्जी का ही है। अगर आपके स्किन में एलर्जी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर्स के परामर्श अनुसार। आप खुद ही इस क्रीम को यूज़ ना करें वरना ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप अगर इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही करें। तो लेकिन दोस्तों इसका तो आजकल रोल ही बदल गया है। मार्केट में जो बेटनोवेट एन क्रीम बिक रही है वो फेयरनेस क्रीम के अकॉर्डिंगली बिक रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। लोग मार्केट में इससे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि बेटनोवेट एन से जो है रंग फेयर हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एलर्जी की पर्पज़ से कंपनी ने इस क्रीम को बनाया है कि जिन लोगों को एलर्जी है उनके लिए ये क्रीम बनाई गई है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस क्रीम से रंग गोरा होगा। अगर मान लिया जाए कि थोड़ा बहुत अगर कुछ दिन के लिए रंग गोरा होता भी है तो, लेकिन आप जब इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, लगाना बंद कर देंगे, तो वैसे ही आपका और ज़्यादा रंग जो है और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा रंग डार्क हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। और दूसरा ये कि इसका जो MRP है वो 20 ग्राम का 27.55 20 ग्राम का इसका MRP है, जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ज़्यादा महंगी क्रीम नहीं है ये। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूँ कि बेटनोवेट एन क्रीम का प्रयोग अगर आपको करना है तो वो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही करें, खुद ही अपने आप इस क्रीम का उपयोग ना करें वरना आपको इसके बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और ज़्यादा लंबे समय तक इस क्रीम को ना लगाएं, 15 से 20 दिन तक ही आप इस क्रीम को यूज़ करें। अगर आपकी स्किन में एलर्जी हो गई है, रेडनेस हो गई है, एक्जिमा हो गया है या एंटीबैक्टीरियल की तरीके से ये क्रीम जो है काम करती है, तो दोस्तों ये ना सोचें कि मार्केट में हर कोई जो क्रीम खरीद रहा है वो फेयरनेस क्रीम समझ के इसको खरीद रहा है कि रंग गोरा हो जाए। तो लेकिन दोस्तों अगर हम आपको एक बात और बता देते हैं, अगर ये फेयरनेस क्रीम होती तो ग्लैक्सो एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, तो इसको मार्केट में फेयरनेस क्रीम बनाकर ही मार्केट में अवेलेबल कराती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी ने तो सिर्फ इसमें स्किन क्रीम लिखा है जो एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम है और एलर्जी के लिए काम आती है। तो दोस्तों आप अपनी अकल लगाएं, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, तो प्लीज़ इस बेटनोवेट एन क्रीम का प्रयोग जो है वो फेयरनेस के लिए ना करें वरना आपको इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्रीम जो है आपको, क्रीम का रिव्यू जो है आपको पसंद आया होगा। हम आपको इसको ओपन करके भी दिखा देते हैं बेटनोवेट एन क्रीम।
ये इस तरीके से ये इसकी ट्यूब आती है, लेमी ट्यूब नहीं है, ये प्लास्टिक वाली जो ट्यूब आती है वो नहीं है, ये जो टिन वाली जो आती है ये वो वाली ट्यूब है दोस्तों, बेटनोवेट एन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे इस हेल्थ मिशन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियोज़ में।